नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। गढ़वा जिले में नक्सलियों ने सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम को उड़ाने के लिए सड़क में टिफिन बम प्लांट करके रखा था। सुरक्षा बलों ने समय रहते बम को खोज निकाला और उसे डिफ्यूज कर दिया है। भंडरिया थाना क्षेत्र के बहरा टोली गांव में नक्सलियों ने एक कच्ची सड़क पर लगाया था। बम को डिफ्यूज करने के दौरान इतनी जोरदार आवाज हुई कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। डीआईजी पलामू राजकुमार लाकड़ा ने बताया कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गढ़वा के भंडरिया थाना का बूढ़ा पहाड़ इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। यहां नक्सलियों के कैंप भी है। बता दें कि झारखंड में इन दिनों नक्सली प्रतिरोध सप्ताह मना रहे हैं, जिसमें एक पुल और रेलवे लाइन को नक्सली उड़ा चुके हैं। गढ़वा में सुरक्षा बल की टीम को बम से उड़ाने की उनकी योजना थी, उसके तहत भाकपा माओवादियों ने यह टिफिन बम प्लांट किया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने साजिश को नाकाम कर दिया। बूढ़ा पहाड़ इलाके में संचालित नक्सली कैंप को नष्ट करने के लिए सीआरपीएफ 172 बटालियन और झारखंड पुलिस का संयुक्त अभियान चल रहा है। इसी के तहत मंगलवार को सुबह सुरक्षा बलों की टीम बूढ़ा पहाड़ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। सुरक्षा बलों की सजगता से कच्ची सड़क पर प्लांट किया गया बम उन्हें दिख गया। टिफिन बम देखने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया और तकनीकी टीम की मदद से बम को बाहर निकाल कर डिफ्यूज कर दिया। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।